हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निश्रेया एंजाइका में। आज निश्रेया एंजाइका में हम बना रहे हैं गर्मी से राहत देने वाली ठंडी ठंडी आइसक्रीम, जिसमें होगा कुकी एंड क्रीम फ्लेवर। तो चलिए, इससे पहले कि कुकी मॉन्स्टर आ जाए, कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। तो इस आइसक्रीम के लिए पहले हम लेंगे ठंडी ठंडी एक कप क्रीम। तो हमने ली है एक कप चिल्ड हेवी व्हिप क्रीम। इसको एक बोल में डालेंगे और फिर एक इलेक्ट्रिक बीटर से इसको अच्छी तरह से व्हिप करेंगे। अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक बीटर नहीं हो तो आप इसको हैंड विस्क से भी फेंट सकते हैं। थोड़ा सा हैंड विस्क से ज्यादा टाइम लग जाता है और इलेक्ट्रिक बीटर से यही काम फटाफट हो जाता है। वैसे तो हेवी व्हिप क्रीम आपको किसी भी बेकरी शॉप पे मिल सकती है, लेकिन अगर आपको क्रीम नहीं मिले तो मार्केट से आइसक्रीम लेके खा लेना। नहीं नहीं, आपको बाहर से आइसक्रीम लाने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि फुल क्रीम दूध लें और बिना दूध को गर्म किए रेफ्रिजरेटर में रख दें। 4-5 घंटे बाद में उसको रेफ्रिजरेटर से निकालें तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर क्रीम की एक लेयर आ जाएगी। बस उसी क्रीम की लेयर को ऊपर से निकालें, थोड़ी देर के लिए एक छलनी में रख दें तो जितना भी उसमें एक्स्ट्रा दूध होगा वो निकल जाएगा और ऊपर ऊपर आपको क्रीम मिल जाएगी। उस क्रीम को आप यूज कर सकते हैं इस आइसक्रीम को बनाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्रीम को अच्छी तरह से फेंटा है और अब इसमें सॉफ्ट पीक्स बनने लगे हैं। अगर आप आइसक्रीम बना रहे होते हैं तो इसको बहुत ज्यादा व्हिप करने की जरूरत नहीं होती। क्रीम को केवल सॉफ्ट पीक्स बनने लगे उतना ही इसको फेंटें। फिर इसमें आप डालेंगे कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क हम इसमें डाल रहे हैं 3/4 कप। इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए डालें 1/2 चम्मच वनीला एसेंस और 1/2 कप इसमें डालेंगे ठंडा दूध। फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये तैयार हो गया आइसक्रीम मिक्स। इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैप से कवर करें और फिर इसको 1 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख दें। एक घंटे बाद में इसे फ्रीजर से निकालें और एक बार इसको दोबारा से व्हिप करें करीब 2-3 मिनट के लिए। अब जिस कंटेनर में आपको आइसक्रीम बनानी है उस कंटेनर में इस मिक्स को निकाल लें। चलिए अब लेते हैं 7-8 चॉकलेट कुकीज। यहाँ पर हम बारबन कुकीज ले रहे हैं। आप बारबन कुकीज या ओरियो कुकीज भी ले सकते हैं। बस उसके अंदर की जो क्रीम होती है वो क्रीम निकाल करके अलग कर दें और केवल कुकीज को हाथ से क्रश करें। आप रोलिंग पिन से भी इसको क्रश कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरी बारबन कुकीज यहाँ है और मैं सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। मुझे मेरी कुकीज वापस दो। अरे अरे, अभी आइसक्रीम बन रही है, मैं कुकीज नहीं दे सकती। मुझे कुकीज दो, ये मेरी फेवरेट कुकीज है। मैं मेरी कुकीज नहीं दूंगा। मैं कुकीज नहीं दे सकती, सब वेट कर रहे हैं कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम का। प्लीज, मैं तुम्हें आइसक्रीम में खिला दूंगी। मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, मुझे अभी मेरे लिए कुकीज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मुझे मेरी
वापस दो। अच्छा पापा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देती हूँ। दूसरी अच्छा मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देती हूँ, दूसरा कुकी का पैकेट मैं ऑर्डर कर देती हूँ, बट ये मैं नहीं दे सकती। ठीक है मैं कुकीज नहीं ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन ये मैं नहीं दे सकती। थोड़ा वेट करो, एक बार आइसक्रीम बन जाए उसके बाद मैं ऑर्डर करती हूँ। तो चलिए अब इस मिक्स में क्रश कुकीज को डाल दें और इसको मिक्स कर लें। कुकीज को डालते टाइम पर कंजूसी मत करिए, थोड़ी ज्यादा कुकीज डालिए, आइसक्रीम का टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब कंटेनर को फ्रिजर में रख देते हैं और 7-8 घंटे बाद में फ्रिजर से निकालें और इसको सर्व करें। आइसक्रीम तो बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है कि मुझे मेरी कुकीज के नए पैक को भी तुम्हें दे देना चाहिए। प्लीज मेरे लिए कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम और बना दो, प्लीज प्लीज। तो देखा आइसक्रीम कितनी टेस्टी है, बताने की जरूरत ही नहीं है, खुद बनाइए और जान जाइए। तो चलिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और निश्रेया ग्रुप से कनेक्टेड रहने के लिए हमारे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगली बार, और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the video links and enjoy watching the videos.